ये जो आप बदगुमानियां फैलाती हैं, जहर घोलती हैं, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता? और अगर नहीं भी पता था ना तो अब मुझे अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। अब बस कर दें और प्लीज यहाँ से चली जाए। जी अम्मी, मेरी डॉक्टर नवीद से बात हो गई थी, आपका कंप्लीट चेकअप कर लेंगे और आप भी उनसे फॉलोअप करवा लीजिएगा। नंबर भी दे दिया था मैंने उनको, तो वो कॉन्टेक्ट में रहेंगे आपसे और जो भी मामला आता हो आप उनसे ईजिली डिस्कस कर सकती। ये मैंने रात में शायद वो घर पर भी चक्कर लगा लेंगे, तो बाकी बात आप आमने सामने कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। इतनी दूर बैठ के भी तुम्हें अपनी माँ का ख्याल है। मेहरबानी? अम्मी आप अब तक नाराज़ हैं मुझसे? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। नहीं बेटा, माएँ अपनी औलादों से नाराज़ थोड़ी होती हैं। पर देश में कमाने वाले बच्चों की क्या मजबूरियाँ होती हैं ये मैं समझ सकती हूँ, और फिर बीवी भी साथ हो तो ज्यादा मुश्किल हो। तुम फिक्र मत करो, सचल ने फोन किया था मुझे, मेरी तबीयत के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी वो। अम्मी मैं आपके लिए सूप बनाऊं या यखनी? अम्मी अम्मी, ये फरी अब तक यहाँ पर क्यों है? ये अपने घर क्यों नहीं गई? हाँ तो बेटा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम क्या चाहते हो, मैं इस घर में बंद होके मर जाऊं? आपका ख्याल अलीजे रखेगी अम्मी, हमें फरी की कोई जरूरत नहीं, उसे घर भेजें फौरन। अशर, अलीजे दफ्तर जाएगी या मेरा ख्याल रखेगी? उसका ऑफिस जाना जरूरी नहीं है अम्मी, मैं बात कर लूंगा अलीजे से, लेकिन इनसे कहें कि फौरन से पहले पहले यहाँ से चली जाए। अशर अशर, मेरे बच्चे मेरी बात समझो, फरी मेरी बेटी है, मेरी औलाद है, जैसे तुम मेरी औलाद हो। अब एक माँ होने के नाते मेरा इतना हक तो है ना कि अपनी मर्जी से अपनी बेटी को घर बुला सकूं। मैंने जो कहा अम्मी आपने वो नहीं सुना क्या? मैंने आपसे कहा कि फरी यहाँ पर नहीं रहेंगी। अच्छा बेटा, तुम घर चलाने के लिए जो पैसे भेजते हो उसके बदले में अपनी माँ पे हुक्म चलाओगे? अम्मी आप मुझे दे फोन, और आपको अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। अशर तुम्हें जो बात करनी है मुझसे बात करो। तुम अम्मी को क्यों बातें सुना रहे हो? उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मुझसे नाराजगी है ना तुम्हारी, अम्मी को किस बात की सजा दे रहे हो तुम? मुझे भी इस घर में आने का कोई शौक नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, लेकिन आज जब हमारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम क्या चाहते हो, मैं खामोशी से कोने में बैठी रहूं, मैं उनकी खिदमत ना करूं? तुम इतनी भी इजाजत नहीं दोगे आप मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और ना ही अब मैं आपकी बातों में आऊंगा। ये जो जहर घोलने की आपकी प्रैक्टिस है ना, इसे बंद करें और अभी इसी वक्त यहां से चलती बने। और ये सब भी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने बोला होगा ना? जाहिर है अपने झूठ पे पर्दा डालने के लिए ये सब बातें तो करेगी वो। झूठी वो नहीं, झूठी आप है फरी। झूठ बोलना आपका शौक है, आपकी फितरत है, उससे आप बाज आ ही नहीं सकती। ये जो आप बदगुमानियां फैलाती हैं, जहर घोलती हैं, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता? और अगर नहीं भी पता था ना तो अब मुझे अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। अब बस कर दें और प्लीज यहां से चली जाए। आप भूल गई होंगी फरी, लेकिन मैं नहीं भूलू, मुझे सब कुछ याद है, जो भी सब कुछ आपने किया ना मुझे सब याद है। तो ये अम्मी की झूठी सच्ची खिदमत बंद करें और चलती बने। अशर तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? बहनों में तुम्हारी किसी बात का तो दुख है फिर, कि आप मेरी बड़ी बहन, बहुत दुख है इस बात का। तरह से घर से भागकर आपने मेरी इज्जत को दावतार किया है, बोल नहीं सकता मैं, एक बार भी नहीं सोचा आपने। अगर आप सोचती तो ऐसा करती नहीं ना,
वायरल फरी। बहुत हो गया, हम अपनी माँ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चाहिए प्लीज। इधर दो मुझे। अशर, अशर ये किस किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? परदेश जाके इतने बद लिहाज हो गए हो तुम? रिश्तों का लिहाज नहीं रहा तुम्हारी नजर में? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। और आप भी एक बात अच्छे तरीके से समझ लें, परदेश में सिर्फ आप लोगों की वजह से, वरना मुझे मेरे घर वालों से, मेरी माँ से दूर रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर मेरे घर वाले ही सुकून में नहीं है अम्मी, तो मैंने यहाँ पर रहकर क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो तुम? ठीक कहा था अम्मी आपने, आप अलीजे की नहीं मेरी जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला हूं नहीं। तो फरी से कहें कि यह जिम्मेदारी निभाने का ढोंग खत्म करे और घर जाए। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी मैं खुद उठाने वापस आ रहा हूं हमेशा के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम अशर? वापस? तो यहां सब कुछ कैसे होगा, कैसे चलेगा गुजारा? वहां पर जो लोग रहते हैं उनका भी तो चली जाता है ना अम्मी, हमारा भी चल जाएगा। परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं वापस। ये क्या कह रहे हैं? ये वापस आ जाएगा तो कैसे होगा सब कुछ? इस घर का किराया, अलीजे की शादी, कैसे होगा ये सब कुछ?